एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो कुछ कुछ कमोडिटी में जबरदस्त गिरावट के बाद लोअर लेवल से प्राइजेस रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जिस ढंग से मई और जून में दो महीनों में रिसेशन का जो माहौल था, ये कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी पैक पे एक दबाव ला रहा था। मानसून की अनसर्टेनिटी, सोइंग की अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट एक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस, ये सब के चलते हमने पूरे एग्री पैक के अंदर जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी। बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से पिछले हफ्ते में एक साइन ऑफ रिकवरी पूरे एग्री मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई में हम एंटर कर चुके हैं, मानसून अब अपनी चरम पे है। नो डाउट जून में हमने देखा कि मानसून में एक थोड़ा पुलबैक था जिसकी वजह से कंसर्न्स थे, बट अब क्लैरिटी मिलने लग गई है। साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो गवर्नमेंट सभी तरीके से कम करना चाहती है, जिसका इंपैक्ट भी एग्री प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो 4.5% की तेजी के साथ प्राइजेस 7520 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकल थोड़ा पुलबैक अगर 7400 तक आए तो लेके चलिए 7650 से 7700 का लेवल अगले हफ्ते देखने मिलेगा। जिस ढंग से चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर फॉर कैस्टर ऑयल, जिस ढंग से चाइना मई जून मंथ में स्टार्ट हो चुकी है, डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है जो कैस्टर को सपोर्ट देगा। बट वही स्विंग की प्रोग्रेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्विंग स्टार्ट हो चुकी है कैस्टर में, अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप आता है तो मे बी पॉसिबल है प्राइसेस पे फिर से दबाव बने। तो रेंज की अगर बात करें तो 7350 से लेके 7720 का रेंज रहेगा कैस्टर में, बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। वहीं मेंथा ऑयल के अंदर भी 1020 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले निकल कर आ रहा है। अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में दबाव है, बट जिस ढंग से अब मानसून यूपी बिहार ये बेल्ट में जैसे से बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं अराइवल पे इंपैक्ट देता हुआ दिखाई देगा और प्राइसेस में उछाल मिलेगा। बट टेक्निकली 1056 के ऊपर निकलना काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही मार्केट में एक ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा। डिमांड एज ऑफ नाउ ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही है, मानसून फैक्टर रहेगा जो मेंथा को इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हमने कॉटन में जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी, प्राइसेस ने 40,000 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया, बट फिर से प्राइसेस में एक रिकवरी बनी है क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ड्रॉप दिखे, बट ओवरऑल अभी भी 3% का इजाफा दिखाई दे रहा है जो पहले 18-20% का इजाफा बताया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं आगे जाके कॉटन को सपोर्ट दे सकता है। बट टेक्निकली जब तक 45,000 के नीचे है ट्रेंड वीक रहेगा, तो 38,000 तक का लेवल कॉटन M6 में दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए स्विंग और मानसून ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा जुलाई मंथ के लिए, जो कॉटन पे इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि यूएस के अंदर जो रिपोर्ट निकली है वहां पे 50% से ज्यादा ड्रॉट कंडीशंस बने हुए हैं, जिसके चलते आइस कॉटन को भी एक सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकली भी देखें तो 90 सेंट का एक हिस्टोरिकल सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अनलेस एंड अंटिल मंथली बेस पे या वीकली बेस पे 90 सेंट का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है कि प्राइजेस वापस 105-106 सेंट तक एक पुलबैक दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी जबरदस्त गिरावट के बाद 2540 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया, वीकली बेस पे 1.5% की तेजी दिखाई है। हार्मोनिक पैटर्न एक बना हुआ है जो दिखाता है कि 2800 तक का एक पुलबैक कॉटन सीड ऑयल केक में मिल सकता है जब तक प्राइजेस 2520 के ऊपर मेंटेन है। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने फिर से 2.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल 5,000 का है वो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। वहीं गवार गम के लिए भी 9200 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, बट अभी भी की लेवल्स के नीचे होने की वजह से थोड़े कंसर्न्स लेवल्स पे है। वेट एंड वॉच कीजिए क्योंकि 5450 गवार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और गवार गम के लिए 10,500 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगले हफ्ते में अगर ये दो की लेवल तोड़ते हैं तो हम एक शॉर्ट कवरिंग देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट मानसून के ऊपर पूरा ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अंत में अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पे हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी आते हुए देखी, जहाँ हल्दी 7900 के करीब बंद होता हुआ दिखाई दिया 1.5% की तेजी के साथ। जीरे धनिया में भी हमने 2.5% की तेजी बनते हुए देखी है। देखिए लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, जीरा धनिया जबरदस्त तेजी का लगता है। हमने पहले भी कराया था कि जून तक मार्केट में गिरावट रहेगा, जुलाई 10 तारीख से हम एक अच्छी खासी गेंस देखेंगे, बट अभी भी की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइजेस 21600 का जोन तोड़कर अच्छे से ट्रेड नहीं करे, बाइंग से थोड़ा बचे क्योंकि की लेवल है। नो डाउट 21600 का ही बन दिया है, बट 21600-800 का लेवल होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड करके तैयार हो जाए तो 23,500-24,000 तक के लेवल हम अगस्त सितंबर तक देख पाएंगे। बट चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना जिस ढंग से ओपन हुआ वो जीरो को ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। कैरी ओवर स्टॉक हम जानते हैं थोड़े से नेग्लिजिबल लेवल्स पे ही है, बट अगर हम अक्टूबर नवंबर की दिसंबर जनवरी की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी बनेगी। बट टाइमिंग
21800 के ऊपर बाई कीजिए, 22400-22500 का टारगेट तक मिल सकता है, बट प्रॉफिट बुक करते करते चलिए। धनी की अगर बात करें तो 11600 के ऊपर निकलने पे ही बाई करके चलिए, जो 12200-12500 का लेवल दिखा देगा, अदरवाइज 11 से 11600 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। हल्दी की बात करें तो सोइंग थोड़ी ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिला है, बट कैरियर स्टॉक अच्छा होने की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा नहीं होने की वजह से प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव है, रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। 8100 के ऊपर निकलने पे नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, अदरवाइज 7700 से 8100 के बीच में हल्दी ट्रेड करती हुई दिखाई देगी।